सुपर क्लास गोरखपुर में स्वागत है। साथियों, आज हम फिजिक्स में पुनः लेकर के आए हैं जो डेसिबल था, कलम ने बताया था कि रात कितने बजे तक आप डीजे चला सकते हैं और सुबह कितने बजे तक डीजे चला सकते हैं। भारत सरकार ने एक नियम जारी कर दिया था जनवरी 2000 में, उसने कहा था कि रात 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक आप कोई भी डीजे, कोई भी शोरगुल आप जो है कॉलोनियों में नहीं कर सकते हैं। तो वो अधिनियम था, वो अधिनियम के तहत जैसे कोई डीजे नहीं चलाना है, कोई साउंड नहीं करना है, लाउड स्पीकर नहीं चलाना है, तो यह ध्वनि प्रदूषण में आता है। तो अब उसी में हम बताएंगे कि आखिर में कौन ऐसे ध्वनियां है जो घर में बातचीत करते हैं, या कोई जोर से बातचीत करता है, या कोई आपको गाली गलौज देता है, आपको क्रोध आ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं और किस अधिनियम के तहत उसको बनाया गया है। क्या वो जैसे कोई आपको नॉइज कर रहा, गाली दे रहा, आपको क्रोध उत्पन्न हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे। तो साथियों, आज कमेंट करिए, कल मेरा कमेंट्स नहीं हो पा रहा था, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो आज कमेंट्स करके बताएंगे कि कैसा है, और जिसको भी प्रॉब्लम होती है वो भी कमेंट में बता दें तो उसको सॉल्व कर देंगे। तो साथियों, हम फिजिक्स में चलते हैं। फिजिक्स में क्या है, हम जो बता रहे थे ध्वनि की प्रबलताओं, तो उसका हम बता दें कि ध्वनि की प्रबलताओं का चार्ट बताने जा रहे हैं। पहला आप याद रखिएगा सामान्य, सामान्य बातचीत, सामान्य बातचीत। अब यहां लिखेंगे तीव्रता, लिख लीजिए तीव्रता, और इसको ब्रैकेट में डेसिबल, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, डेसिबल लिख दीजिए। तो दोनों को आखिर में हम इसका कितना डेसिबल होता है, इसको हम करके आपको बता देंगे कितना डेसिबल होगा। तो कई चीजों को बताएंगे, और मित्रों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो सामान्य बातचीत 30 से 60 डेसिबल, डेसिबल होता है। कितना होता है, डेसिबल होता है। कितना डेसिबल हो गया, 30 से 60 हो गया सामान्य बातचीत। और जोर से कोई बातचीत कर रहा है, जोर से बातचीत, अगर कोई जोर से बातचीत आपसे कर रहा है तब कितना डेसिबल होगा, तो 60 से 70 डेसिबल होगा। गुस्से में कोई बात करता है, गुस्से, गुस्सा में कोई बातचीत करता है आपसे, तो कितना डेसिबल हो जाएगा, 70 से 80 डेसिबल हो जाता है। कितना हो जाएगा, 70 से 80 डेसिबल हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके आपको बता रहे हैं। उसके बाद आपको चलते हैं ट्रक और ट्रैक्टर, ट्रक और ट्रैक्टर की कितनी होती है, तो 90 से 100 डेसिबल होती है, 90 से 100 डेसिबल होती है। वही ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा का कितना होता है, 100 से 120 डेसिबल होता है। जेट विमान का कितना होता है, 140 से 150 होता है। ये आपके और भी बता रहे हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी परीक्षाओं में आता है। जैसे कौन कौन परीक्षा हम आपको बता दें, पुलिस में आएगा, रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलवे ग्रुप डी हो गया, एसएससी हो गया, लेखपाल हो गया, ठीक, पुलिस हो गया। तो ये जो है डेसिबल है, सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, वीडियो अंत तक जरूर देखा करें, और भी इसमें कुछ बताने जा रहे हैं। अभी तो आपका जेट विमान है, अभी मशीन गन बताएंगे, अभी मिसाइल बताएंगे, पत्तियों की खड़खड़ाहट बताएंगे। तो ये किस में नापा जाता है, याद रखिएगा डेसिबल में मापा जाता है, इसमें मापा जाएगा, डेसिबल में मापा जाएगा।
अगला हम देख लेते हैं मशीन गन। अगला क्या है हमारा? मशीन गन। अब मशीन गन का कितना होता है? मशीन गन का देख लीजिए तो 150 से कितना होगा? 160 डेसिबल होगा। मिसाइल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिसाइल व रॉकेट, मिसाइल व रॉकेट दोनों की आवाज बहुत तेज, जब रॉकेट प्रक्षेपित किया जाता है तो उसकी आवाज बहुत तेज होती है और हमारे कानों पे बहुत नुकसान करती है। 160 से 170 होती है। पत्तियों, याद रखिएगा, पत्तियों की खड़खड़ाहट, घड़घड़ाहट लिख लीजिए, घड़घड़ाहट कितना होगा? 10 डेसिबल। कितना आएगा? 10 डेसिबल। तो ये जो आपको जो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? डेसिबल बता रहे हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइपराइटर का कितना होता है? जो टाइप कराया जाता है, टाइप राइटर का हो गया 50 डेसिबल हो गया। घरों में जो टीवी चलती है उसका 70 डेसिबल हो गया। कितना हो गया? 70 डेसिबल हो गया। इसी प्रकार अब चलते हैं कि यदि 90 डेसिबल के तीव्रता मनुष्य को 15 मिनट तक सुना दिया जाए तो वह व्यक्ति बहरा हो जाएगा। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। यदि मनुष्य को कितना डेसिबल, यदि मनुष्य को कितना? 90 डेसिबल 15 मिनट तक उसको सुना दिया जाए, मनुष्य सुनता है तो क्या हो जाएगा? बहरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहरा हो जाएगा। तो बहुत खतरनाक है। उसके बाद हमारी भारतीय दंड संहिता, इसको भी बता देते हैं। भारतीय दंड संहिता इंडियन आईपीसी है। तो भारतीय दंड संहिता क्या कहती है? भारतीय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय दंड संहिता, संहिता 1860 की उपधारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी उपधारा, ये दंड संहिता की जो उपधाराएं हैं, धारा है, धारा कौन धारा है? 268 है। कौन धारा है? 268 में क्या वर्णन किया गया है, आइए देख लेते हैं। लोक उपताप है, लोक उपताप, उपताप इसकी अंग्रेजी देख लीजिए पब्लिक है, पब्लिक। उपताप का मतलब होता है नॉइसेंस, नॉइसेंस होती है, टेम्परेचर होती है, इसको पब्लिक अब जो है टेम्परेचर नॉइसेंस होती है। इसका अर्थ हो गया कि वह ध्वनि, उप माने होता है छोटा, ताप माने गरम, ताप माने गरम, उप माने छोटा, पब्लिक माने लोग। तो 268 के तहत उसको जो है अब आपके पास केस दर्ज हो जाएगा। क्या केस दर्ज हो जाएगा? यदि किसी व्यक्ति को ऐसे शब्दावलियां बोल दिया जाए जिससे वो क्या हो जाए, गरम माने क्रोध आ जाए, क्रोध आ जाए, लड़ाई करने लग जाए, तो जब वो लड़ाई करने लग जाता है ऐसी ध्वनियां उत्पन्न होने, ऐसे शब्दों को बोल दिया जाएगा, तो इंडियन आईपीसी की संहिता 1860 की उपधारा 268 में आपको केस दर्ज हो जाएगा और कम से कम 6 महीने की आपको सजा हो जाएगी। इसका मतलब ऐसे शब्दों को मत बोलिए जिससे उसको क्रोध उत्पन्न हो जाए और उसके अंदर जो है गुस्सा आ जाए, और जब ऐसे शब्दावलियों को बोला जाएगा तो किसमें आ जाएगा? नॉन सेंस में आ जाता है। इसी प्रकार भारत
वाहन अधिनियम भारत की वाहन अधिनियम बनाया गया। अगला देख लेते हैं वाहन अधिनियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो शोर की कैटेगरी में वो भी आता है। वाहन अधिनियम, वाहन कितना है अधिनियम 1988 अधिनियम कितना हो गया 1988 में बताया गया है कि जो है गाड़ियों की जो हमारे सुनने के लिए होती है माने 60 से 70 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कितना इतना होना चाहिए, और इससे यदि किसी गाड़ी में यदि है तो वाहन अधिनियम 1988 के तहत उसकी गाड़ी को सीज किया जा सकता है। गाड़ी को क्या कर देंगे, सीज कर देंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत यदि कोई गाड़ी वाला 60 से 70 डेसिबल से अधिक की ध्वनि की तीव्रता उत्पन्न करता है तो वाहन अधिनियम 1988 के तहत उसकी गाड़ी सीज हो जाएगी और उस व्यक्ति को ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत 6 महीने की सजा हो जाएगी। अब साथियों हम चलते हैं तारत्व की चर्चा कर लेते हैं। तारत्व होता क्या है, पिच होती क्या है। अब पिच कहते किसे हैं, जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा है तो वो मीठा बोलता है कि पतला बोलता है। अगर मीठा बोलता है तो उसको मृदु कहते हैं, अगर वो पतला बोलता है तो तीखा बोलता है। तो ये हम कल बताएंगे कि मधुमक्खियों की जो आवाज होती है वो तीखी होती है कि मीठी होती है, गाय और बैल की आवाज मीठी होती है कि तीखी होती है, और डिपेंड किस पर करता है, तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो साथियों जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।